हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि खेत में काम करना भी मुश्किल हो गया है। बस जल्दी से थोड़े दिन में सब्जी आ जाए, फिर घर के सारे हालात सुधर जाएंगे। बहुत पैसा लगाया मैंने इन सब्जियों को उगाने में। अर्जुन खेती करने के बाद घर आ जाता है, तभी पत्नी गुंजन सत्तू का शरबत देकर कहती है, अजी आप धूप में से आए हैं, जल्दी से सत्तू का शरबत पी लीजिए, आपको इससे ठंडक पहुंचेगी। हाँ पीता हूँ। अच्छा, आपको इतना समय हो गया खेत में सब्जी बोए हुए, एक दो सब्जी आई है कि नहीं? सोच रही थी कि घर में कुछ उसे ही बना लेती। नहीं गुंजन, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि शाम को तुम क्या खाओगी, इसीलिए 10 रुपए ले लो और बाजार से कुछ ले आओ, क्योंकि जब तक थोड़ा तो चलेगा। जी इतने में तो कुछ नहीं आएगा, तो एक पाव सब्जी ही ले आऊंगी। मम्मी मम्मी, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बेटा इतने पैसे नहीं है कि इसमें से तुझे आइसक्रीम दिलाकर ले आऊं, वरना खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है माँ पापा, आप हमेशा ही ऐसे कहते हो, अब तो इतनी तेज गर्मी होती है आप घर में भी सत्तू ही बनाती हो। बेटा नींबू पानी की तरह ये भी फायदेमंद है। हाँ बेटा इसे पी ले। फिर सत्तू का शरबत पीकर रह जाते हैं। ऐसे ही गर्मी में उनके दिन बीत रहे थे। अब उनके खेत में सब्जी उगनी शुरू हो जाती है, जिसे अर्जुन मंडी से बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक था, पर एक दिन सब्जी का ठेला लिए वो आ ही रहा था कि ब्रेक फेल, ट्रक उससे टक्कर मार कर खुद पेड़ से टकरा जाता है, जिसमें ट्रक वाले को तो कुछ नहीं होता लेकिन अर्जुन की जान चली जाती है। अर्जुन की मौत की खबर सुन गुंजन और आरोही सदमे में चले जाते हैं। 3-4 दिन उन्हें समझने में लग जाता है, लेकिन फिर घर में पैसे की कमी होने लगती है। माँ, पापा हमें छोड़कर चले गए, मैंने तो सोचा था कि मैं पापा और आपके साथ मेला देखने जाऊंगी पापा, पर पैसे आ गए थे ना, लेकिन अब पापा ही मुझे छोड़कर चले गए। हाँ बेटा, अरे तूने बहुत देर से कुछ नहीं खाया होगा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, पर आटा चावल भी खत्म है, पैसे ही नहीं है। माँ अब हम पिताजी के जाने के बाद क्या करेंगे, हमें कोई काम खोल लेना चाहिए। पर बेटा मुझे कोई काम नहीं आता, हम क्या काम करेंगे। आपको याद है एक बार आपने मेरे स्कूल के लिए मंचूरियन चाउमीन बनाई थी, आप वो बहुत अच्छा बनाती है, वही बनाकर बेचते हैं ना। सब्जी तो है ही हमारे पास, बस हमें नूडल्स लाने पड़ेंगे, वो भी मैं सोच रही हूँ कि किसी नूडल्स वाले को सब्जियां देकर उससे नूडल्स खरीद लेंगे। शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, हम ऐसा ही करेंगे। माँ बेटी अपने खेत में से कुछ सब्जियां निकाल कर नूडल्स वाले को दे देती हैं और बदले में नूडल्स ले आती हैं। फिर बेटी सारी सब्जियों को साफ करके काटती है और माँ भी थोड़ी से उधार मसाले ले आती है, जिसके बाद वो एक छोटी सी रेड़ी पर मंचूरियन चाउमीन बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, 50 रुपए की स्वादिष्ट मंचूरियन नूडल्स खाइए, आइए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, 2 प्लेट पर 1/2 प्लेट मंचूरियन नूडल्स फ्री। आरोही बेटा, तू बेचने से पहले ही आधा सामान फ्री में दे देगी तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई घाटा नहीं होगा, ये व्यापार बढ़ाने की स्ट्रेटेजी है, बोले तो दिमाग लगाना, अब आप देखते जाइए। अरे अभी मैंने सुना था कि आप 2 मंचूरियन प्लेट पर 1/2 मंचूरियन चाउमीन फ्री देंगी, मुझे ये बहुत पसंद है, जल्दी से आप 1 प्लेट लगा दीजिए। हाँ हाँ मैं अभी आपको देती हूँ। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, आप तो सच में बहुत अच्छे मंचूरियन चाउमीन बनाती हैं, मुझे जल्दी से वो बाकी की प्लेट भी दे दीजिए, मैं वो सब खत्म कर लूंगी। शिवानी फटाफट मंचूरियन चाउमीन खा जाती है, उसे देखकर आसपास के लोग आने लगते हैं और धीरे धीरे माँ बेटी मंचूरियन चाउमीन बेचने लगती हैं। अरे जरा मुझे भी दीजिए, कहीं मंचूरियन चाउमीन खत्म ना हो जाए। आंटी आंटी मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी मंचूरियन चाउमीन खानी है। जी जी अभी देती हूँ मैं। आरोही बेटा मैं कैसे करूँ, तू जरा इन सबको देती जा। हाँ माँ। आरोही जल्दी जल्दी अपनी माँ की मदद करवाती है। बहुत सारे लोग मंचूरियन नूडल्स खाकर बहुत खुश थे और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। 1617, 1618, 1619, 2000, हमने एक ही दिन में 2000 कमा लिए, इसका मतलब हम हफ्ते भर में 12-13 हजार आराम से कमा लेंगे और महीने का तो इससे भी ज्यादा होगा। देखा माँ आपकी बेटी का आइडिया काम कर गया। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा, अब हम ऐसा ही करेंगे, पर बेटा अभी मैं तुझे कुछ नहीं दिला सकती, मुझे थोड़ा उधार देना है और सामान भी लाना है, कुछ दिनों बाद मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी। ठीक है माँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए मुझे।
ये सुन गुंजन अपनी बेटी को नमाखों से गले लगा लेती है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। माँ बेटी खूब मेहनत करके अपने खेत से सब्जी तोड़ कर लाती हैं और फिर मंचूरियन बनाकर चाउमीन उबालकर बाकी का सामान 4 बजे से ही धूप में लगाकर बेचना शुरू कर देती हैं। गर्मी में माँ बेटी बहुत मेहनत करती हैं और सब कुछ अच्छा चलता है, पर एक दिन जब वो अपने सब्जियों के खेत में सब्जी लेने जाती हैं तो उन्हें वहाँ सब कुछ बर्बाद दिखता है। हे भगवान, अब हमारे काम का क्या होगा? ऐसे तो हमारे ग्राहक खराब हो जाएंगे। आरोही बेटा, हमारे पूरे खेत की सब्जियां बर्बाद हो गई, अब हम क्या बनाकर बेचेंगे? माँ आप हिम्मत मत हारो, हमारे पास पैसे हैं ना, हम बाहर की सब्जी लाकर मंचूरियन बनाकर बेचेंगे। लेकिन बेटा, हमें इस नुकसान की भरपाई भी तो करनी है ना, और इतने पैसे हम पर हैं नहीं, और ना ही हर शाम रोज हमें मंचूरियन चाउमीन की रेड़ी भी लगानी पड़ती है। अगर आज नहीं गए तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ बेटी को रोता देख दूर से किशन लाल बहुत खुश होता है। अब मजा आया ना, अच्छा हुआ रात को मैंने वो सब कर दिया। बस बहुत हो गया, इन माँ बेटी ने मेरी नाक में दम कर दिया। इनकी वजह से ना कोई मेरे मोमोज खाता है और ना ही स्प्रिंग रोल, और मेरे ग्राहक भी इनके मंचूरियन चाउमीन पर चले जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं इनकी सब्जियां ही बर्बाद कर दूं। किशन लाल मुंह छुपाकर आधी रात में उनकी पूरी सब्जियों की फसल में जहरीले कीटनाशक की दवाई डाल देता है, जिससे सुबह तक सारी कीड़े उन्हें बर्बाद कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ, आज मेरी बहुत ज्यादा सेल होगी, सब लोग मेरे पास ही खाना खाएंगे। किशन लाल हंसता हुआ अपनी दुकान लगाने चला जाता है। वहीं गुंजन रो धोकर आधी हो गई थी, उसके रोते हुए आंसू बंजर जमीन में जा रहे थे। तभी एक गोल मटोल सा जोकर मिट्टी से बाहर आकर कहता है, अरे भाई, तुम इतना क्यों रो रहे हो? रो रो कर मुझे भिगो दिया और आवाज से भी जाग गया, क्या तकलीफ हो गई? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे नीचे देखो, नीचे मैं हूँ, जूजू। जूजू, माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, पर मेरी माँ बहुत परेशान है। रोज की तरह हमें आज मंचूरियन चाउमीन बनाकर रेड़ी लगानी थी, लेकिन हमारे खेत की सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। माँ चुप ही नहीं हो रही है। हो, इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। खेत में आ जा सारी सब्जी तू। बोने जैसे दिखने वाले जादूगर की ये कहते ही पूरे खेत में ऐसा जादू होता है कि सारी सब्जियां वापस खिली खिली आ जाती हैं। ये देखो, अब तुम्हारे खेत में हर प्रकार की सब्जियां हैं, और ये बारिश, तूफान, कीड़े, हवा किसी से भी खराब नहीं होंगी, हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और इससे तुम जो भी बनाओगी वो सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सामने वाला मांगता रहेगा। सच, शुक्रिया जूजू। माँ देखो तो, आंखें खोलकर देखो, हमारी सब्जियां वापस आ गई, और ये सब जूजू ने किया है। जूजू, अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें भी मंचूरियन चाउमीन जरूर बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे अपने घर पर लेकर चलो, क्योंकि थोड़े दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है आरोही बेटा, जल्दी से सब्जियां लेकर घर चल, धोकर काटनी भी है। फिर माँ बेटी जूजू को अपने हाथ पर लेकर घर आ जाती हैं और जल्दी जल्दी मंचूरियन नूडल्स बनाने की तैयारी करती हैं और वापस अपनी रेड़ी पर ग्राहकों को देने चली जाती हैं। बहुत भीड़ थी। अरे आंटी, आप कहाँ चली गई थी? आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से हमारी फेवरेट मंचूरियन चाउमीन दीजिए ना। हाँ हाँ, बस दे रही हैं, ये लो। वाओ, आज की मंचूरियन चाउमीन तो और भी ज्यादा टेस्टी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन के पास एक एक करके बहुत सारे लोग मंचूरियन चाउमीन खाने के लिए आते हैं। उसकी दुकान पर एक एक करके भीड़ लग जाती है और ये देखकर किशन लाल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और जादुई मंचूरियन चाउमीन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो जितना बर्तन में कम हो जाते, ग्राहकों के आने से मंचूरियन चाउमीन बर्तन में और बढ़ जाती है। लेकिन अब एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों को लेकर आती है। सुनिए बहन जी, आपकी दुकान पर बहुत भीड़ है, मैं भी खाना चाहती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास 1 रुपये से ज्यादा कुछ नहीं है, क्या आप मुझे खाने को कुछ देंगी? माँ, ये छोटी सी बच्ची भूखी लग रही है, भूख भूख कहकर रो रही है, माँ दी दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये चीज तो वैसे भी खत्म नहीं होने वाली, आपका जितना मन करे उतना पेट भर कर खाइए। गुंजन गरीब औरतों और बच्चों को पेट भरकर खाना खिला देती है, जिसके बाद वो 1 रुपये देती हैं। देखिए, मैं जानती हूँ इस 1 रुपये से आपका कुछ नहीं होगा, पर मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे पास यही है। कोई बात नहीं, मैं आपकी भावना अच्छे से समझती हूँ। आइए आइए, गरीब लोगों का खाना मात्र 1 रुपये में, गरीब लोगों का खाना मात्र 1 रुपये में। आरोही की आवाज लगाने से फुटपाथ पर बैठे गरीब लोग भी 1-1 रुपये में मरपेट गरीब माँ बेटी से मंचूरियन चाउमीन खाने आते हैं।
जिसके बाद अब वो और भी ज्यादा मशहूर हो जाती हैं। जो भी उनके मंचूरियन चाउमीन खाकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वापस उसी खेत में जाकर गायब हो जाता है। इस तरह माँ बेटी अपने काम को और बड़ा करती हैं, ठेले से बड़ी दुकान और बड़ी दुकान से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और अब माँ बेटी ठाट बाट से मंचूरियन चाउमीन गरीब लोगों को एक रुपए में बेचकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।